नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लिटी और मेरा नाम है निकाई। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बोलता हूँ कि हमारे जम्मू के यंगस्टर्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं, उसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू की मदर्स में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उसी की आज एक जाती एग्जाम्पल हमारे साथ है। जैसे आपको पता है कि हमारे जम्मू में रिसेंटली एक और उसी शो में फर्स्ट रनर अप का जो टाइटल गेन किया और माधवी चौधरी जी ने और वो आज पास आकर बोला। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही है। तो सबसे पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो मैम अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपको कब लगा कि आपको इस जर्नी में आना चाहिए, इस प्रोफेशन में आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है हाउस के लिए ना, ये सब चीज़ें करना, अपना घर भी संभालना, बच्चों को भी देखना और इन सब चीज़ों को देखना। बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ टीचर, मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, तो इन दोनों के साथ साथ ही मेरे को मोटिवेशन हुआ कि मेरे को फैशन वर्ल्ड में आना चाहिए। मेरे को इंस्टा पे कई DMs आते थे, कई बार मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ये चीज़ बोली कि आपकी बॉडी अच्छी है, आपका फेस स्ट्रक्चर अच्छा है, यू शुड गो इन फैशन वर्ल्ड। सो थोड़ा उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया, बाकी मेरे हस्बैंड ने मेरे को इंस्पायर किया कि हाँ करना चाहिए। तो आपका ये स्टार्टिंग से ये ड्रीम था कि आपको मतलब एक मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहिए, और उसके बाद जब आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद? नहीं, शादी से पहले तो मेरे को टीचर बनने का ही ड्रीम था कि मैं टीचर बनूंगी, और मैं बन भी गई टीचर। और उसके बाद स्कूल के फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने ये चीज़ बोली कि अगर एक ट्राई दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, तो मैंने भी ये चीज़ सोची कि क्यों ना एक ट्राई दिया जाए। तो मैंने ये ऐड देखी इंस्टा पे, तो मैंने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया कि हाँ एक बार ट्राई करो, देखते हैं। तो मैम बीइंग अ हाउसवाइफ आपको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, आपके लिए कितना मुश्किल रहा? सर अगर तो अकेले करना हो कुछ भी तो मुश्किल तो होता ही है, चैलेंजिंग होता है, बट मेरी फैमिली, मेरे साथी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। अगर कई बार मेरे से कोई एक साइड का कोई काम नहीं हो पाता था तो ये वहाँ पे मेरे को फुल सपोर्ट करते थे, हमने मिलके सब कुछ किया है, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो या मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरे को मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर जैसे कि हमारे जम्मू में देखा जाए कि हमारे जम्मू में इस चीज़ को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, तो मतलब आपने जब मैम ने आपसे पूछा इसके बारे में कि मतलब मेरे को इस फील्ड में जाना है, मेरे को मॉडलिंग करनी है, तो देखा जाए कि हमारे यहाँ जम्मू में कुछ हाउस वाइफ जैसी है जिनके हस्बैंड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो आपका सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखो बात ऐसी है कि ये कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप इसको अच्छे वे में देखो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरी वाइफ का सपना था कि मैं एक मॉडल बनूं, और देखने में भी ये लुकिंग लाइक ए मॉडल ही लगते थे, तो मैं चाहता था अगर ये करेंगे तो मेरे इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। तो इन्होंने मेरे से बात की, मैंने बोला अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे आप बढ़ सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, मेरे को किसी की कोई टेंशन नहीं। और मेरे को लगता है अगर जो भी लड़की आगे बढ़ना चाहती है उसे बढ़ना भी चाहिए, ये चीज़ कोई गलत नहीं है। तो जैसे आपने देखा सर ने बहुत अच्छी बात की कि ये गलत प्रोफेशन नहीं है, अगर इसको अच्छे वे में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है। तो मैं हर एक हस्बैंड को यही चीज़ बोलूँगा कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, ना कि उनको रोकें बाहर जाने से, क्योंकि अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आप ही का सर कुछ होगा जब वो आपका नाम रोशन करेंगे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैसे मैम इस फील्ड में आ चुके हैं, तो अब आगे अगर उनको जैसे बाहर शोज होते हैं दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ या इंटरनेशनल शोज में, तो अगर ये वहाँ जाना चाहेंगे तो मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। मैंने अभी आपसे यही बात की, अपना मन साफ होना चाहिए, आप खुद में क्लियर होना चाहिए। जब आप एकदम, मुझे पता है हमारी लिमिटेशन, हमें पता है हमें किस लिमिटेशन में रहना है, इस लिमिटेशन तक चलना चाहिए, वो इनको भी पता है,
और अगर ये बाहर जाना भी चाहेंगे मैं इनके साथ हूँ, मैं हर वक्त इनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कहीं भी जाना पड़े मैं इनके साथ हूँ। तो देखा आपने सर ने कितनी अच्छी बात की। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं भी एक मॉडल हूँ, मैं भी मॉडलिंग करता हूँ इवेंटिंग के साथ साथ। तो मैं भी सर ये ना बहुत चीज़ें देखता था, तो मैं भी इस चीज़ के बहुत बिल्कुल खिलाफ था कि जो लोग अपनी वाइफ को या अपनी बेटियों को मना करते हैं कि इस फील्ड में नहीं जानी, ये फील्ड इतना बुरा नहीं है। तो अच्छा आपने अच्छी बात की, तो मैं मैम को भी यही बोलूँगा कि मैम आगे क्या रहेगा आपका, आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो कहाँ तक आप अपने आप को देखते हो? सर अब देखते हैं, वैसे भी नई नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी अब, तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मैं जरूर पूरा करूँगी, क्योंकि एक नया एक्सपोजर मिला है मेरे को, एक नया एक्सपीरियंस मिला है, एक हाउसवाइफ से एक टीचर का एक नया एक्सपीरियंस था, और एक टीचिंग प्रोफेशन से एक मॉडलिंग प्रोफेशन में आना एक नया एक्सपीरियंस है। और मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मैं ज़रूर करूँगी। तो अगर मैं मॉडलिंग के साथ साथ अगर आपको कहीं एक्टिंग फील्ड में काम करना है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो जैसे कि आपने देखा सर ने भी बोला और मैम ने भी बोला कि जैसे कि सर ने एक बात बोली कि ये फील्ड बुरा नहीं है, तो मैं वही एक अपने जम्मू के जितने भी हस्बैंड्स हैं उनको यही चीज़ बोलूँगा कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करें प्लीज़, और उनको आगे बढ़ने से ना रोकिए। तो मैम आप कुछ मैसेज देना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं उन हस्बैंड्स को और उन पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी डॉटर्स के, अपनी वाइफ्स के, अपनी बेटियों के ड्रीम्स को पूरा होने दो, उनमें बहुत टैलेंट है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या